हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YCT बुक्स। यूथ कंसल टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो बुक का रिव्यू देने जा रहे हैं वो SSC CHSL 10+2 के जो न्यू टाइप पैटर्न पर एग्जाम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, उसके लिए ये आया है। इसमें आपको 25 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। यह एग्जाम और भी इंपॉर्टेंट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर सचिवालय सहायक और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के लिए होता है। बायलैंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF मिल जाएगी। आप इसे ले सकते हैं YCT बुक के एप्लीकेशन से, गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अमेजोन से भी इसका ई-बुक परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी हार्ड कॉपी आपकी मंगानी है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो का लिंक मैं वहाँ दे रहा हूँ, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से अन्य जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बुक देखते हैं। तो ये बुक 2020 एग्जाम के लिए CHSL यानी कि जो कंबाइंड हाई स्कूल लेवल के एग्जाम जो होते हैं उसके लिए यह बुक बनाया गया है। बुक की प्राइस जो है 295 है, 30-40% डिस्काउंट इसके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका पैटर्न बता दे रहा हूँ, जो आपका SSC CHSL का पैटर्न होता है। इंग्लिश क्वेश्चन होते हैं आपके 25 नंबर आप क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स आपको मिलते हैं 50। जनरल इंटेलिजेंस भी 25 क्वेश्चन को होते हैं और 50 नंबर का आपको मिलता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है आपकी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस होती है 25 नंबर 50 क्वेश्चन का। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 1 घंटे का होता है, 60 मिनट का आपको दिया जाता है। द टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस तीनों पार्ट आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि 0.5 नंबर का आपका निगेटिव यानी गलत आंसर देने पर होगा। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो 50 नंबर के आते हैं। स्पॉट इरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेलिंग, स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम फ्रेम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, कंप्रिहेंशन पैसेज, जनरल इंटेलिजेंस। इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन सेमनास्टिक, एनोलॉजी, सिम्बोलिक ऑपरेशन, नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगर्स एनोलॉजी, ड्राइंग, फिगर क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अगर आप देखते हैं तो नंबर सिस्टम आता है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गई आपकी, मेंसुरेशन के कुछ पार्ट्स के क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं वाले टाइप में, ट्रिग्नोमेट्री के तो यूनिवर्सल होता है उसमें अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, इसके अलावा जो राइटर्स के नाम होते हैं करंट अफेयर्स में जितने आ जाए राइटर्स के नाम और मिनिस्टर किसके पास कौन सा पद है, ये सारी जानकारी आपको इस पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में पूछी जाती है। हमारे यूथ कमीशन टाइम्स के और भी प्रकाशन के बुक अवेलेबल होते हैं, जैसे SSC JEE के सामान्य ज्ञान, एडवांस कंप्यूटर साइंस, एडवांस मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए होता है। CGL का टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड के बुक मिल जाएंगे। 10+2 के सॉल्व पेपर ज्ञान कोर्स मिल जाएगा, जो कि यही है, ज्ञान कोर्स ही है। इसके अलावा और भी बुक्स मिल जाएंगे, रेलवे एग्जाम्स के लिए मिलता है, बैंकिंग एग्जाम के लिए बुक अवेलेबल है, LIC ESIC के पोस्ट ऑफिस एग्जाम के लिए भी बुक अवेलेबल मिल जाएगा। SSC CGL के लिए आपको 22 क्वेश्चन का सेट मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की फ्री मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। CHSL के लिए दिया गया और SSC के लिए प्रैक्टिस बुक है जो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अगर हम देखें कि कौन से लैंग्वेज कौन कौन से इसमें आपके सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं, तो जो भी 2019 में पेपर हुए हैं उनके सारे के सॉल्व पेपर्स दिए गए, 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का जो भी पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये तीनों का आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। 10 AM, 1 PM और 4 PM 3 सेट हुए थे इसमें, सुबह 10 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे दोपहर को, फिर 4 बजे जो पेपर हुए थे उन सब के इसमें सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। लैंग्वेज बायलिंगुअल है, मैं डिटेल दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। पहले सबसे पहले यहाँ से आपका रीजनिंग से स्टार्ट हुआ है, जो रीजनिंग पोर्शन समान बुद्धिमत्ता से यहाँ से पेपर आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये सेकंड पेपर है, सेकंड 10 जुलाई को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइंड की गई है। 25 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपका, ये देखिए यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ से सामान्य जानकारी आपकी स्टार्ट होती है, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन, और ये यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपके प्रणात्मक यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने के बाद 25 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन हो गए, टोटल 75 क्वेश्चन के बाद आपके इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ 76 नंबर से इंग्लिश क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, 100 यहाँ तक 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि आपने 1 घंटे का टाइम होता है, आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो 100 में तो 100 अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं, तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने कर लिए या 90% आपने अटैम्प्ट कर लिया, तो उसके लिए यहाँ फिर आंसर की दी गई है आपको। यहाँ से आंसर की आप मैच करवाएंगे कि कितने नंबर आप क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। जैसे आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो उसमें कितने 70 या 80 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ जब आप अटैम्प्ट करेंगे, चेक करेंगे कितने नंबर आप क्वेश्चन गए हैं, ये 20 क्वेश्चन आपने नहीं किए या गलत हो गए हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमने डिटेल सोल्यूशन दिया है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पर हल किए गए हैं, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया है, क्या डाटा होंगे, क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स वहाँ दिखाए गए हैं सोल्यूशन के साथ में ही, और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिनोट की गई है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ सके। लगभग 25 सेट यहाँ पे टोटल पेपर्स दिए गए हैं। अब 25 सेट आप लगा लेते हैं तो एसएससी सीजल आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। तो बुक ज़रूर परचेज करिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।